यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रश्नावली 9.4 का सवाल नंबर 12 बहुत लाजवाब है। आंसर आने के बाद भी इसमें बड़े कमाल का ट्रिक है, वो भी आपको जान लेना चाहिए। तो बेटा शुरू से आखिरी, अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी तैयार नहीं किया है, आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है और आपको लगता है कि आप मैथ में फेल हो सकते हैं, तो आप मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला कोर्स ज्वाइन करिए। यह कोर्स मैंने कमज़ोर छात्रों के लिए बनाया हुआ है। कमज़ोर छात्र केवल हमसे संपर्क करेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर 7525 8180 38 पर। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप क्लास 12 लिख करके व्हाट्सएप करिएगा, आपको हर एक चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट का वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, जिसे पढ़ करके आप एग्ज़ाम में 90+ मार्क बड़े आसानी के साथ ला पाएंगे। यह उनके लिए है जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है, ठीक है। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सारा वीडियो आपको मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा शुल्क लगेगा, शुल्क मात्र 500 रुपये लगेगा, एक बार देना होगा, ठीक है। एक बार पे करके आप एग्ज़ाम में फेल होने से बच जाएंगे, और अगर आपने मेहनत कर दिया तो आप 90+ मार्क भी ला पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर क्लास 12 लिख करके सेंड करना है, हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वीडियो देंगे, शुल्क मात्र 500 रुपये है, ठीक है। थैंक यू। देखो 8 नंबर, 4 दिखा रहा हूँ लेकिन 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देना। 8 नंबर का यह सवाल है, वास्तव में मज़ेदार सवाल है, शायद एक बार सैंपल भर जाएगा, उसके बाद दोबारा हम इसको मिटा के फिर समझाएंगे, लेकिन आपके पास 10-12 मिनट का समय होगा तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। शुरू करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आखिरी तक देखते हैं, न पढ़ने वाले बच्चे अब तक भाग गए होंगे, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। इतना इक्वल टू 1 दिया है, वाई बराबर 0 यदि एक्स बराबर 2, तो विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल ज्ञात करने में हम जो अचर पद सी जोड़ते हैं ना, उस सी का भी एग्जैक्ट मान निकालते हैं, उसके बाद उस मान को उस आंसर में फिर से रखते हैं सी की जगह पर, तब जाकर के हमारा विशिष्ट हल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स के सभी पदों को दाहिने पक्ष में कर देंगे, वाई के सभी पदों को बाएं पक्ष में। तो एक्स इंटू इतना दाहिने लेकर चले जाओ, डी वाई को केवल बाएं पक्ष में रखो, तो 1 पहले से है, ये दोनों इंटू में है तो बॉटम चला जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, डी एक्स भी दाहिने पक्ष में जाएगा तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब दोनों पक्षों का यदि हम समाकलन करें तो 1 डी वाई, यहाँ पर 1 अपने मर्जी से लिख सकते हैं, 1 डी वाई का समाकलन वाई के सापेक्ष वाई होगा, और इधर जो है 1 अपान एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका समाकलन मुझे आंशिक भिन्न के मदद से करना पड़ेगा। तो अब हम उसको भी करने वाले हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे हम ऐसे करेंगे, 1 अपान एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। भाई देखो ज़रा ध्यान से, 1 बटे एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसे आंशिक भिन्न की मदद से सॉल्व करिए, इसे आंशिक भिन्न की मदद से सॉल्व करिए, नंबर 2 बना दो। तो आ जाओ भैया आंशिक भिन्न में, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ आंशिक भिन्न में। 1 अपान इतना बराबर लिख सकते हैं a अपान x प्लस b अपान x माइनस 1 प्लस c अपान x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए, अब क्या करना है, अब 1 इक्वल टू a इंटू क्या रहेगा, नीचे वाला छोड़ के ये दोनों का गुणा रहेगा a इंटू, तो ये दोनों का गुणा क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1, प्लस b इंटू क्या रहेगा, नीचे वाला छोड़ के इन दोनों का गुणा, तो x इंटू इतना x इंटू x प्लस 1, c के साथ गुणा किसका होगा, इन दोनों इसको छोड़ के इन दोनों का गुणा, x इंटू इतना, ठीक है, x इंटू x माइनस 1, ठीक है। अब देखो भाई बहुत मज़ेदार तरीके से वैल्यू निकलने वाला है,
एक बार ए के नीचे वाला बराबर जीरो रखते हैं, एक बार इसके नीचे वाला बराबर जीरो रखते हैं, एक बार इसके नीचे वाला बराबर जीरो रखते हैं। आंशिक भिन्न में बड़ा ही कमाल का नियम है, इसके नीचे जो है उसको जीरो मान लो, इसके नीचे जो है उसको मान लो, इसके नीचे जो है उसको मान लो, बारी बारी से मान लो, तीनों का वैल्यू आ जाएगा। पहले हम x को जीरो करेंगे जब, तो देखो x जीरो तो पूरा जीरो, x जीरो तो ये पूरा जीरो, बचा केवल a वाला। x जीरो करेंगे तो माइनस वन का गुणा a में, तो माइनस वन a बराबर वन, तो यानी a बराबर आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कामा। अब एक बार x माइनस वन को जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो हो गया। ठीक है, और इस कोष्टक में x माइनस वन इंटू x प्लस वन ये दोनों है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या x माइनस वन x प्लस वन दोनों है, तो दोनों होने के नाते जब हम इसको जीरो मान लिए हैं तो ये भी पूरा जीरो हो गया। बचेगा बेचारा ये वाला, तो जब x माइनस वन को जीरो करोगे तो x बराबर प्लस वन आएगा, तो यहाँ प्लस वन प्लस वन, तो वन वन टू हो गया, दो एक करने दो, यानी टू बी इक्वल टू वन आ जाएगा। तो जब टू बी इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू वन अपान टू, बी इक्वल टू वन अपान टू। अब ऐसे c के नीचे वाला जीरो रखो, x प्लस वन को जीरो रखोगे तो ये भी जीरो पूरा, इसमें भी x प्लस वन मौजूद है, अंदर छिपा हुआ है, तो ये भी पूरा जीरो, ये भी जीरो, ये बच गया। तो x प्लस वन को जीरो करोगे तो x बराबर माइनस वन आएगा, तो माइनस वन यहाँ रखो, माइनस वन यहाँ रखो, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, अब माइनस टू गुणे माइनस वन हो जाएगा प्लस टू, प्लस टू सी, प्लस टू सी इक्वल टू वन होगा, तो c इक्वल टू वन अपॉन टू होगा। ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो क्लास नाइन्थ का काम है, मान रखना निकालना, हमें तो समाकलन के अनुसार अवकल समीकरण का काम करना है। ए बी सी का वैल्यू आ गया, अब क्या होगा, अब इस लाइन में हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण तीन मान लें, समीकरण मानने का कोई नियम नहीं है, आप एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण, दस समीकरण, पांच समीकरण मान सकते हैं, चाहे जितना काम करिए अच्छे से बस। अब थर्ड से समीकरण, थर्ड से क्या होगा, थर्ड से इतना बराबर इसका वैल्यू क्या, माइनस वन अपॉन एक्स, एक बटे एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस एक बटे एक्स, बी की जगह पर एक बटे दो, तो आगे एक बटे दो एक्स माइनस वन, इस तरीके से। ठीक है, कोष्ठक में बंद है, प्लस सी का मान भी एक बटे दो है, एक बटे एक्स प्लस वन। ठीक है ना, समझिएगा बात को, देखो बी सी की जगह पर एक बटे दो मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक है, चलिए करते हैं समाकलन, करते हैं समाकलन बारी बारी से। अब क्या होगा, माइनस एक बटे एक्स किसका समाकलन होगा, माइनस लाग एक्स का, और ये एक बटे दो लाग एक्स माइनस वन, ये एक बटे दो लाग एक्स प्लस वन। समाकलन का चिन्ह दोनों पक्षों से हट गया, तो प्लस का सी जोड़ देंगे हम अंतिम में। अब इसी सी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसकी मदद से, इसके और इसके मदद से। ध्यान दीजिएगा, यह किसका मान है, यह जो है वैल्यू, यह है इसका मान है। ठीक है, और यह यहाँ पर है, और यह वाई का वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह चीज, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही है, और इसका मतलब y है, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर। ठीक है भाई, अब वैल्यू रखेंगे y का जीरो, x का टू, यहाँ रख दो जीरो, इसको भी कोई समीकरण मान लीजिए, समीकरण चार मान लीजिए। ठीक है, जीरो रखा आपने, x का मान टू, तो माइनस लाग दो, प्लस दो रखेंगे, दो में से एक घट गया, एक लाग एक का वैल्यू जीरो, दे तो ये पूरा हो गया जीरो। यहाँ रखेंगे दो, दो एक तीन, लाग तीन, एक बटे दो, जब तीन के ऊपर घात बनेगा तो समझिए तीन करड़ी में चला जाएगा, तो
यानी लॉग कड़ी में 3 और प्लस का सी अपनी जगह पर मौजूद है, माइनर लॉग 2 इधर आएगा प्लस लॉग 2 और ये बाय पक्ष में आएगा तो माइनर लॉग 3 बराबर सी। लॉग एम माइनर लॉग एन हो जाएगा लॉग एम बटे एन यानी लॉग 2 बटे कड़ी में 3 बराबर सी। ये कड़ी में 3 है बहुत छोटा लिखा मैंने, आपको दिख रहा है? दिख नहीं रहा होगा। लॉग 2 ऊपर कड़ी में 3 नीचे बराबर सी। सी का मान इतना आ गया। अब इसी समीकरण नंबर 4 में, इसी समीकरण नंबर 4 में हम सी की जगह पर सी का वैल्यू ये रखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। बस थोड़ा सा काम है, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा समय दीजिए बच्चों, अच्छे से समझने के लिए समय दीजिए। देखो यहाँ y लिखा था मैंने, अभी अभी मिटा दिया था। यह समीकरण नंबर 4 है, इसी 4 में c का वैल्यू रख के काम करना है। तो हो जाएगा y बराबर माइनर लाग x, माइनर लाग x प्लस 1/2 लाग x माइनस 1 प्लस 1/2 लाग x प्लस 1 प्लस सी। सी का वैल्यू क्या है? लाग 2 बटे कड़ी में 3। अब यहीं पर छोड़ देंगे तो उत्तर आपका मान लिया जाएगा, लेकिन किताब में जो उत्तर दिया है उसे लाना चाहते हैं तो उसको कैसे लाएंगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले तो एक काम करो, जिसमें यक्स है इसमें है इसमें है इसमें, इन तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। 1/2 1/2 है ना, तो 1/2 लघुत्तम अगर हम लेंगे, नीचे का 2 लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 लॉग एक्स और 1/2 कॉमन भी ले लीजिए तो ये हो जाएगा -2 लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 और ये प्लस लॉग 2/3। लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन हो जाएगा यानी इतना गुड़े इतना। सुनो बेटा, 1/2 कॉमन लेंगे कैसे, इसमें भी जब लघुत्तम लेंगे तो बटे में 2 रहेगा, इसमें 2 का गुड़ा हो जाएगा तो 2 लॉग एक्स मैंने 2 लॉग एक्स हो जाएगा, जो सबसे बटे में 2 है, बटे का 2 किनारे कर दिया मैंने, यही किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। और ये अलग है, इसमें नहीं कॉमन लिया गया, ये जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। अब हो जाएगा वाई बराबर 1/2 लॉग एम इंटू एन, तो जाएगा लॉग एम एन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के हिसाब से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2 लॉग एक्स माइनस 2 को इसके ऊपर घात बना दो तो माइनस लॉग एक्स स्क्वायर ये प्लस लॉग 2/3। लॉग एम माइनस लॉग एन तो लॉग एम बटे एन, वाई बराबर 1/2 लॉग ये ऊपर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में लॉग 2/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, लेकिन किताब में जो आंसर दिया है ना बबुआ, वो बच्चों को कंफ्यूज कर दे रहा है, तो हम बताते हैं वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। ध्यान से देखो, ये 2 को, ये जो 2 है ना ससुरा, इस 2 को ज़बरदस्ती 4 बना दो, कैसे बनेगा देखो ध्यान से। ये 2 है ना, इसको लिख दो 4, लेकिन करड़ी में डालोगे तब ना, अभी भी ये क्या है 2 है, इसका वैल्यू 2। अब करड़ी में 4 और करड़ी में 3 ऊपर नीचे हैं, तो तुम एक ही करड़ी में दोनों को डाल सकते हो ऐसे, समझो ये क्या है ऊपर 2 और नीचे करड़ी में 3, यही चीज़ तो मैंने अभी लिखा है, सही है ना। अच्छा, अब एक जो करड़ी है, इस करड़ी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1/2 घात, सही कह रहे हैं ना। अच्छा,
अब जो ये 4/3 / 1/2 है, हाँ, इसको दूसरे स्टाइल में लिख सकते हो। कैसे? इसको अगर तुम उलटोगे तो घात माइनस में हो जाएगा, इसको अगर उल्टा लिखोगे पलट के तो घात क्या हो जाएगा? माइनस में। तो लिख दो, घात माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक, अगली लाइन में जब आएंगे तो लाग ये हो जाएगा m, लाग m की पावर n। तो इसको आगे खींच लेंगे, y बराबर 1/2 लाग x स्क्वायर माइनस 1/x² और लाग m, ये पूरा कोष्टक m हो गया, ये जो घात है वो n हो गया, तो n लाग m, यानी ये घात आगे आ जाएगा माइनस सहित, इतना लाग 3/4। तो ये है आपका आंसर। अगर चाहो तो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, कॉमन ले लो तो एक उत्तर और मान लिया जाएगा। ठीक है, 1/2 लाग एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और माइनस लाग 3/4, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, और ये भी आपका आंसर है। ठीक है, वैसे तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, किताब वाला आंसर शायद ये है, ज़रा मैं भी चेक कर लूँ। हाँ, किताब वाला आंसर ये वाली लाइन है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जहाँ आंसर छोड़िए वहीं पर आपका भला हो जाएगा। तो समझ में जिसको जिसको आया भैया, कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे लगे कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, सुबह में पढ़ता हूँ, शाम में पढ़ता हूँ, तो पढ़ाता हूँ, तो मेरे मेहनत का किसी को अगर अच्छा फल मिल रहा होगा तो मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसको लाभ किसी न किसी को मिल रहा है। हाँ, पेड क्लास के बच्चों को तो मिलेगा ही, जो फीस दे के पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, 500 रुपये फीस ले के पढ़ाते हैं सारे बच्चों को, 1000 रुपये लेते हैं तो साल भर का कोर्स पढ़ाते हैं, 500 लेते हैं तो 2-3 महीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ाते हैं, तो पेमेंट वाले बच्चों को तो लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। बाकी फ्री वालों का क्या इरादा है, कमेंट करके बताएँ।